आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ प्रेशर। अर्थ प्रेशर को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि रिटेनिंग वॉल क्या होती है। तो रिटेनिंग वॉल जनरली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल को या फिर अर्थ फिलिंग को किसी हायर लेवल पर मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, जनरली रिटेनिंग वॉल किस टाइप की होती है? कुछ इस टाइप की रिटेनिंग वॉल्स होती है जो कि स्टोन की, आरसीसी की या फिर ब्रिक मेसोनरी की किसी की तरफ से बनाई जा सकती है। और इसमें क्या होता है कि इसके किसी भी एक तरफ जो है वो अर्थ की फिलिंग होती है। उस वजह से क्या होता है कि अर्थ, ये जो रिटेनिंग वॉल होता है वो इस अर्थ को अपने इस लेवल पर मेंटेन करने का काम करता है और इसको स्लाइड होने से रोकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिटेनिंग अर्थ वॉल क्या होती है। रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर मेंटेनिंग द ग्राउंड सरफेस एट डिफरेंट एलिवेशंस ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब कि रिटेनिंग वॉल क्या करती है, मेंटेन करती है ग्राउंड सरफेस को एट डिफरेंट एलिवेशंस, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पर मेंटेन करने का काम करती है। एंड द मटेरियल रिटेन्ड बाय इट इज कॉल्ड बैकफिल। और जिस मटेरियल को रिटेनिंग वॉल रोक के रखी है उसको हम बोलते हैं बैकफिल। तो बैकफिल वर्ड आपके आगे भी कई जगह आएगा, तो उसका मतलब यही होता है कि जो भी मटेरियल को रिटेनिंग वॉल ने रोक के रखा है वो होता है बैकफिल। ठीक है, अब अर्थ जो अपना रिटेनिंग वॉल होता है उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड दूसरा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पर इसको वापस बना देते हैं। ये हमारी एक रिटेनिंग वॉल है और उसके इधर जो है वो पूरी फिलिंग की हुई है अर्थ की। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये इधर सारे प्रेशर्स के कारण इस पे रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर कुछ इस डायरेक्शन में लगेंगे, तो इन सभी प्रेशर के कारण अगर ये रिटेनिंग वॉल बैकफिल से इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है, मतलब कि रिटेनिंग वॉल जो है वो अवे फ्रॉम बैकफिल मूव करती है, तो क्या होगा कि इसके पीछे का जो ये अर्थ पूरा फिलिंग है तो उसका एक इतना हिस्सा टूटकर और इस रिटेनिंग वॉल के साथ साथ चलने लगेगा। ठीक है, और ये जो इतना वेज शेप है ये पूरा रिटेनिंग वॉल के साथ जब आगे जाएगा तो ये जो शीयर होगा वो इस प्लेन से होगा, मतलब कि यहाँ से जो है वो ये वाली सरफेस जो है ये वाला पार्ट तो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा और इधर से जो है वो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो मतलब कि जो ये वेज शेप है इसका मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा लेकिन जो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे रिटेनिंग वॉल इस फिलिंग से दूर जाती जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस पर लगने वाले प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्रेशर की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी लेकिन उसके बाद जो है वो प्रेशर की वैल्यू नहीं घटेगी, तो उस मिनिमम प्रेशर की वैल्यू को हम बोलते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, वापिस से देख लेंगे कि जब रिटेनिंग वॉल दूर जाएगी अवे फ्रॉम बैकफिल तो ये जो इतना पोर्शन है टूटकर वो रिटेनिंग वॉल के साथ साथ चलना शुरू कर देगा। तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि रिटेनिंग वॉल पर लगने वाले प्रेशर की वैल्यू घटती जाएगी लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी कि उसके बाद प्रेशर की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, वो फिर नहीं घटेगी। तो वो जो मिनिमम वैल्यू होती है प्रेशर की वो कहलाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब इसी का रिवर्स होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। कैसे, वापिस से हम अगर रिटेनिंग वॉल बना देते हैं यहाँ पर और इसके इधर ये पूरी अर्थ फिलिंग है, ये ग्राउंड लेवल है। अब हमें क्या करना है इसमें कि रिटेनिंग वॉल को पहले तो हमने, ये था हमारा एक्टिव का केस है ना, अब हमें क्या करना है कि पहले रिटेनिंग वॉल को हमने अवे फ्रॉम बैकफिल मूव कराया था, अब हम रिटेनिंग वॉल को टूवर्ड्स द बैकफिल मूव कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि एक, अब जब देखिए जनरली देखेंगे तो जब रिटेनिंग वॉल को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो इसके पीछे की जो सॉइल फिलिंग है वो भी इस डायरेक्शन में खिसकना शुरू करेगी। तो क्या होगा कि एक सॉइल का बहुत ही बड़ा हिस्सा इतना कट के और रिटेनिंग वॉल के साथ साथ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे कि इस इंक्लिनेशन को मैंने ज़्यादा बनाया था और यहाँ पर जो है वो थोड़ा स्लैंट बनाया। इसका मतलब ये है कि इधर जब रिटेनिंग वॉल दूर जाएगी तो एक इतना सा पोर्शन इसके साथ साथ चलेगा लेकिन जब रिटेनिंग वॉल टूवर्ड्स द बैकफिल जाएगी तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो
रिटर्निंग वॉल के साथ साथ चलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि रिटर्निंग वॉल क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाली मिट्टी भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो मूवमेंट तो ऊपर की डायरेक्शन में होगा लेकिन रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा कि जब रिटेनिंग वॉल इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी जो है वो इधर उसको रोकने की कोशिश करेगी और अपन इसको इस तरफ धक्का दे रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद क्या होगा कि ये पूरा हिस्सा जो है वो रिटेनिंग वॉल के साथ साथ चलने लगेगा और उसके बाद प्रेशर की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी रिटेनिंग वॉल के ऊपर प्रेशर की वो कहलाएगा पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू होती है प्रेशर की वो कहलाती है एक्टिव अर्थ प्रेशर और जो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है वो कहलाती है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब इसको हम इधर देखते हैं। ड्यूरिंग द एक्टिव स्टेट द वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल, अपन ने बात की थी अवे फ्रॉम बैकफिल जाएगा, एंड सर्टेन पोर्शन ऑफ द बैकफिल बिहाइंड द वॉल ब्रेक्स अवे, टूट जाएगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉइल मास। दीज वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ सॉइल मास मूव्स विथ द वॉल इज कॉल्ड फेलियर वेज। जो ये सॉइल का जो टुकड़ा है जो टूट के और रिटेनिंग वॉल के साथ साथ मूव करना शुरू हो जाता है उसे हम कहते हैं सॉइल फेलियर वेज। ठीक है, ये फेलियर वेज। तो द रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू शीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज डेवलप्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। जो रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा वो तो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, रेजिस्टिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अलोंग द फेलियर प्लेन, ये हमारा फेलियर प्लेन है। व्हेन वॉल्स मूव अवे फ्रॉम द बैकफिल द अर्थ प्रेशर डिक्रीजेस ऑन द वॉल एंड आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट डिक्रीजेस। ये वही बात होगी कि धीरे धीरे जब वॉल अवे फ्रॉम बैकफिल मूव करेगी तो स्टार्टिंग में उस पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी लेकिन एक लिमिट आएगी उसके बाद प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। दिस मिनिमम प्रेशर इज कॉल्ड एक्टिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पैसिव अर्थ प्रेशर को देखते हैं। अब पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या था कि वॉल जो थी वो टूवर्ड्स द बैकफिल मूव कर रही थी। इफ द वॉल मूव्स टूवर्ड्स द बैकफिल आ गया, द अर्थ प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। द प्रेशर रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट वेयर शियर रेजिस्टेंस इज फुली मोबिलाइज्ड एंड एनी फर्दर मूवमेंट ऑफ वॉल डज नॉट इंक्रीजेज द प्रेशर, दिस मैक्सिमम प्रेशर इज कॉल्ड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो वही बात है, तो क्लियर हो गया एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, वॉल जो होती है वो अवे फ्रॉम बैकफिल जाती है। ठीक है, अवे फ्रॉम बैकफिल, और पैसिव अर्थ प्रेशर में जो होता है वो टूवर्ड द बैकफिल जाती है, और एक्टिव अर्थ प्रेशर में जो होता है वो जो मिनिमम वैल्यू होती है प्रेशर की वो कहलाती है एक्टिव अर्थ प्रेशर, और पैसिव अर्थ प्रेशर में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रेशर की वो कहलाती है पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, अब इसके यहाँ पे कुछ प्रॉपर डायग्राम बनाए हुए हैं इन फिगर में। ये हमारा रिटर्निंग वॉल है, उसका जो मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम बैकफिल, और इतना जो सॉइल का पोर्शन है वो कट के डाउनवर्ड मूवमेंट होगा यहाँ पर, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा लेकिन रेजिस्टिंग फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और ये है जो पैसिव अर्थ प्रेशर का केस है, इसमें जो है वो वॉल जो है वो टूवर्ड्स द बैकफिल मूव करेगी, उस वजह से क्या होगा कि ये जो सॉइल पोर्शन है वो तो अपवर्ड मूवमेंट करेगा लेकिन रेजिस्टिंग फोर्स जो लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पर का अपन ने एक एलिमेंट लिया हुआ है, सॉइल का एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे और उस एलिमेंट पर लगने वाले स्ट्रेसेस को हमने यहाँ बाहर ड्रॉ किया हुआ है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड वर्टिकल सिग्मा 1, और पैसिव अर्थ प्रेशर के केस में उल्टा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल तो होती है सिग्मा 1 एंड वर्टिकल हो जाती है सिग्मा 3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे कोऑफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। कोऑफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर को देखेंगे, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोऑफिशिएंट होता क्या है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस सिग्मा एच टू द वर्टिकल स्ट्रेस इज कॉल्ड कोऑफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर के, इसको जो है वो के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा
कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर। अब हमें बात करनी है एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे। द स्ट्रेस कंडीशन ड्यूरिंग प्लास्टिक इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग मोहर कुलम इक्वेशन। मोहर कुलम इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, सिग्मा वन इक्वल टू टू सी टेन 45 प्लस 5 बाई टू प्लस सिग्मा 3 टेन स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई टू, ये इक्वेशन हमको लर्न करनी है। इसमें कोहेजन लेस सॉइल के लिए C इक्वल टू होता है 0, तो C की वैल्यू को अगर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा 1 इक्वल टू ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 टेन स्क्वायर 45 प्लस 5 बाई टू रहेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फॉर कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर को हमको फाइंड करना है, ठीक है। कोफिशियंट तो उसको हमने डिनोट कर दिया के ए से, एक्टिव का ए, तो के ए को अपन लिखेंगे क्या होता है, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल। तो सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी लिखेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी करना है। सिग्मा एच कितना होता है हमारे एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो उसमें सिग्मा एच होता है सिग्मा 3 और सिग्मा वी कितना होता है सिग्मा 1। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1। यहाँ पर हम सिग्मा एच को लिख सकते हैं सिग्मा 3 और सिग्मा वी को लिख सकते हैं सिग्मा 1। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको इस इक्वेशन को यूज़ करना है, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इस इक्वेशन से भी हमको सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, ये अपन यहाँ लिख देते हैं। पहले हमारे पास है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 टेन स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2, ये है हमारे पास इक्वेशन। इसमें से हमको फाइंड आउट करना है सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2, ये पूरा जो है वो इसके नीचे आ गया। और 1 अपॉन टेन होता है कोट, तो इसको हम लिख देते कोट स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2 इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1। तो यहाँ पर सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 की जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के ए इक्वल टू कोट स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2। और कोट स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 का, ये आ गया हमारे पास कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोफिशियंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर की। तो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए भी स्टार्टिंग तो वैसे ही करनी पड़ेगी। पैसिव अर्थ प्रेशर को के पी लिख देते हैं और कोफिशियंट का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अपॉन वर्टिकल स्ट्रेस। अब उधर देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कितनी थी यहाँ पर। इस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस थी सिग्मा 1 और वर्टिकल स्ट्रेस थी सिग्मा 3। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3, इसका उल्टा लिखेंगे वापस से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इक्वेशन है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 टेन स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2। यहाँ से अब हमको सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 फाइंड आउट करना है, मतलब ये सिग्मा 3 इसके नीचे आएगा, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 इक्वल टू टेन स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो के पी इक्वल टू इसकी जगह आ जाएगा टेन स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2, और टेन स्क्वेयर 45 प्लस 5 बाय 2 की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5, ये होता है हमारा के पी का फॉर्मूला। तो जस्ट साइन का डिफरेंस है इसमें बस। तो ये हमारे दोनों हो गए कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, के ए एंड के पी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब क्या है कि जब रिटेनिंग वॉल मूव नहीं कर रही होती है तो उस टाइम उस पर किस टाइप का प्रेशर एक्ट करता है। अभी हमने एक्टिव और पैसिव की बात की थी, जिसमें कि क्या था कि एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में तो वॉल जो थी वो अवे फ्रॉम बैकफील्ड मूव कर रही थी, और पैसिव अर्थ प्रेशर के केस में टूवर्ड्स द बैकफील्ड मूव कर रही थी। लेकिन अब हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर रिटेनिंग वॉल मूव नहीं करे और रेस्ट में रहे तो उस पर किस टाइप के प्रेशर लगेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एक्सर्टेड ऑन द बैक ऑफ अ रिजिड। सबसे पहले तो वॉल को जो माना है उन्होंने रिजिड,
अनयील्डिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर माना है, ठीक है। द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट एग्जर्टेड ऑन द बैक ऑफ, बैक पे ही लगेगा प्रेशर, तो बैक ऑफ अ रिजिड अनयील्डिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी से हम इसकी अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अज्यूमिंग दैट द सॉइल इज सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, इलास्टिक एंड आइसोट्रॉपिक, ये उसने कुछ अजम्पशंस माने हैं डेरिवेशन करने के लिए कि जो सॉइल है वो सेमी इनफाइनाइट है, होमोजीनियस है, इलास्टिक है एंड आइसोट्रॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ सॉइल एट डेप्थ ऑफ जेड एक्टेड बाय सिग्मा एच एंड सिग्मा वी। यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं तो ये हमारा रिटेनिंग स्ट्रक्चर है और इसमें हमने इसकी टोटल हाइट मान ली कैपिटल एच और इसमें एक सॉइल का एलिमेंट हमने माना है जिसकी डेप्थ है जेड डेप्थ है, ठीक है। और इस पर जो प्रेशर लगेंगे, स्ट्रेसेस लगेगी वो सिग्मा एच एंड सिग्मा वी। तो ये तो लग जाएगा सिग्मा एच और वर्टिकल लग जाएगा सिग्मा वी। देन द लेटरल स्ट्रेन इज गिवन बाय, अब हम लेटरल स्ट्रेन की इक्वेशन लिखेंगे एप्सिलॉन एच, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन एच इक्वल टू वन अपॉन ई सिग्मा एच माइनस म्यू, ये म्यू है, सिग्मा एच प्लस सिग्मा वी, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसमें वापस से फॉर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अब देखिए एप्सिलॉन होता है स्ट्रेन मतलब कि विकृति, तो क्योंकि अर्थ प्रेशर रेस्ट की कंडीशन में हमको निकालना है तो रेस्ट की कंडीशन में जो विकृति होगी वो जीरो होगी, तो एप्सिलॉन एच को जीरो लिख देंगे यहाँ पर। तो उससे क्या होगा कि इस इक्वेशन को ई का मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा जीरो से, तो ई भी हट जाएगा, तो हमें बस पूरी जो है वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और फिर हम माइनस वाली वैल्यू क्या करेंगे, इक्वल के उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी सिग्मा एच इक्वल टू म्यू सिग्मा एच प्लस सिग्मा वी। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और उसमें से हमने सिग्मा एच अपॉन सिग्मा वी की वैल्यू डिराइव की है और वो आती है म्यू अपॉन वन माइनस म्यू, और इसको हम लिखते हैं कोफिशेंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। क्योंकि कोफिशेंट क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था अभी कि द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अपन वर्टिकल स्ट्रेस, तो इसको अपन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। तो और क्योंकि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की बात करें तो इसको के जीरो डाल दिया हमने नाम, तो के जीरो का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर देखें तो रिटेनिंग वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसका जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो कुछ इस ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये जनरली हमने डैम में भी देखा हुआ है कि प्रेशर जो लगता है वो टॉप पर जीरो लगता है और धीरे धीरे जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो लगती है वो बॉटम पे लगती है प्रेशर की। तो हमने जो ये प्रेशर सॉरी के जीरो जो फाइंड आउट कर लिया है उसके बाद हम इस जेड डेप्थ पर प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करें अगर तो ये कितना आएगा, सबसे पहले इसको के जीरो कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको ये वाला हमें एरिया लेना है शेडेड एरिया, तो इसकी डेप्थ कितनी है z, तो k0 लेने के बाद हम लेंगे गामा और उसकी डेप्थ ले लेंगे z। तो मतलब कि इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस लग रही है सॉरी टोटल प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है k0 गामा z, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट डेप्थ Z, तो P0 प्रेशर एट रेस्ट इक्वल टू K0 गामा Z। K0 हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, गामा हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल और Z हो गया उसकी डेप्थ। अब हमने ये क्या किया है, ये हमने ओनली इस डेप्थ इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है, अब हमें पूरा प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, हमें टोटल अर्थ प्रेशर के लिए P0 इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ K0 गामा Z और लिमिट हमें पुट करनी पड़ेगी 0 टू h, तो 0 टू h हमने लिमिट पुट कर दी और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 1 बाई टू के जीरो गामा एच स्क्वेयर। तो ये हमारा था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। इसके एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो रेनकाइंस थ्योरी की एजम्पशंस और डिफरेंट डिफरेंट अर्थ प्रेशर की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए।